फैमिली वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अभी मस्त हूँ। गाइस तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और सुबह से मैं दोपहर में खाली हुआ था बिकॉज आज मैं कोचिंग भी नहीं गया था और सुबह से बना रहे थे अपने दादाजी का घर, वो जो लकड़ी के सामने दिखा रहा था उसको बनाने के लिए। मैं कई दिनों से बोल रहा था कि इसको आज बनाऊँगा। फाइनली गाइस आज मैं उसको बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो गाइस उसको ब्लॉग में नहीं दिखाया हूँ बट अब दिखाऊँगा शाम के समय। उसका मतलब 80% काम खत्म हो गया है, बस 20% और रह गया है। तो अभी बस देख रहे हैं कि कब तक धूप खत्म होगी कि उसको हम लोग बनाना स्टार्ट करें। गाइस तो अभी मेरा भाई यहाँ पे बैठा है और दीदी यहाँ पे बैठी है। मेरा भाई अपने सिर पे तकिया रख लिया है, पता नहीं क्यों। गाइस तो अभी बहुत तेज हवा बह रहा है और धूप भी बहुत तेज वाली हुई है। तो गाइस मम्मी अभी दाल डाल रही है, घर पर नहीं है वो। तो अभी वेट करते हैं शाम होने का और उसके बाद हम लोग बनाएंगे अपनी लकड़ी का घर। गाइस तो अभी मम्मी घर आ गई हैं और अभी भुजा बना रही हैं। गाइस तो अभी भुजा बन गया है और मैं इसको खाने जा रहा हूँ। मस्त है गाइस, जैसा खरीदते हैं वैसा ही है। तो इसको खाते हैं और उसके बाद से अपना बनाना स्टार्ट करेंगे लकड़ी का घर। गाइस तो फाइनली मैंने भुजा खा लिया है और अब हम बनाना स्टार्ट कर दिए अपना लकड़ी का घर नहीं। गाइस तो यहाँ पे पहले देख रहे होंगे एक लकड़ी का घर था, अब ये रहा। इसको हम लोग बना रहे हैं फिर से नया, तो इसको बना लेते हैं उसके बाद से मिलते हैं। गाइस तो फाइनली इस पर लास्ट लेयर रखा जा रहा है तिलहन का डंडा, तिलहन की तिलठी इसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग रख रहे हैं इस पर और इसको लगा लेते हैं, उसके बाद से इसको यहाँ पे ला करके सेट कर देंगे जैसे पहले थे। गाइस तो फाइनली हो गया अपना रेडी घर, अब इसको बस लगाना है यहाँ पे। तो दादा जहाँ पे बैठे हैं इनको यहाँ से हटा देंगे और उसके बाद से यहाँ पे मस्त लगा देंगे जैसे पहले थी। गाइस तो इसको लगाने के लिए कई सारे लोग चाहिए, तो सबको बुलाना पड़ेगा। देखते हैं घर पे 3-4 लोग हैं, इनसे हो नहीं पाएगा क्योंकि ये भी बहुत इसमें वजन है। तो पवन को बुलाना पड़ेगा और 2-4 और लड़कों को बुलाना पड़ेगा, उसके बाद से इसको यहाँ पे रखेंगे। तो देखते हैं कौन आता है। गाइस तो अब टाइम आ गया है इसको उठा करके इस पे रखने का। तो अभी मैं बोला हूँ अपने बड़े पापा को और मेरे और 2 भाई हैं, आदित्य है और विश्वकर्मा है मेरे घर के बगल का और एक और चाचा है। तो हम लोग 4-5 लोग मिल करके इसको उठा ले रहे हैं, इस पे रख दे रहे हैं। उसके बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ गाइस, अभी मिल रहा हूँ 2 बाद। गाइस तो फाइनली हमने इसको उठा दिया और इसको उठाने में बस 10 लगा है। 5-6 लोग थे उठा करके रख दिए, वजन था बट 5-6 लोग हमने उसको उठा करके रख दिया। तो गाइस ऐसा कुछ ये दिख रहा है और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए बिकॉज अभी हो रही है मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी और पूरा शरीर गंदा हो गया है। चारों ओर देखो कितना गंदा गंदा हो गया है। अब इसको मम्मी साफ़ करेंगी। दीदी का तो मेरे अभी भी तबीयत ख़राब है, इनका बुखार जा ही नहीं रहा है, तो इनके लिए भी दवा लाने जाना है। तो पहले जा रहा हूँ मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा चंद्रवार चट्टी पे दवा लाने के लिए। तो चलते हैं नहाते हैं गाइस। फ्रेंड्स तो फाइनली अभी हो गई है रात और मैं अभी जस्ट नहा करके और आया हूँ। गाइस तो नहाने के लिए तो मैं बहुत ही पहले गया था बट नहीं नहाया हूँ और अभी नहा करके जस्ट आ रहा हूँ। और मम्मी पैसे दे रही है मेरे को बिकॉज दीदी की तबीयत है ख़राब। तो जा रहा हूँ अभी चंद्रवार चट्टी पे दवा लाने के लिए, तो दवा लेकर के आता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस तो मैं 2 से यह टी शर्ट पहन रहा हूँ, वो भी बस रात को, और सोने के समय इसको निकाल दे रहा हूँ बिकॉज अभी थोड़ी नई है तो इसका थोड़ा कद्र कर रहा हूँ। और 2-4 बार पहन लूँगा ना फिर यही पहनूंगा हमेशा। गाइस तो जा रहा हूँ चंद्रवा चट्टी पे आता हूँ और पवन भी बाहर से बोल रहा है, वो भी साथ है, तो हम दोनों साथ में जा रहे हैं। बाय गाइस अभी आ रहे हैं। फाइनली गाइस अभी चंद्रवा चट्टी से घर आ गया हूँ और आज फिर से देख रहा हूँ तो मम्मी जी मेरा यहाँ पर डिनर बना रही हैं। भाई पहले दिन देखो, पहले दिन मम्मी आई जब नानी के यहाँ से तो मम्मी डिनर बनाई, तो फिर इनका दूसरे दिन तबीयत खराब हो गया और फिर दीदी डिनर बनाई तो आज दीदी का तबीयत खराब हो गया और मम्मी डिनर बना रही है। और गाइस तो मैं दीदी के लिए फाइनली दवा लेकर के आ गया हूँ और मेरे दादाजी का भी तबीयत खराब है, उनका तो पेट ही गड़बड़ हो गया है और दीदी को बुखार आ गया है, फिर भी यहाँ पर फैन लगा करके बैठी है बाहर। तो इसके लिए शायद मैं दवा लाया, इस पर लिखवाया हूँ पी वाला इसका है और दादाजी के लिए बस ऐसे सिंपल है, तो दादाजी को भी दे देता हूँ दवा। और उसके बाद मुझे लगता है कि डिनर मेरा रेडी हो गया, मम्मी रेडी हो गई। गाइस तो डिनर भी रेडी है बट अभी भूख नहीं लगा है। आज पूरे दिन हम लोग इसको बना रहे थे ना, और क्या बोलते हैं इसको, लकड़ी का घर बना रहे थे तो उसमें थोड़ा थक गया हूँ। गाइस मम्मी बोल रही है झोपड़ी बोलने के लिए बट मैं इसको लकड़ी का ही घर बोलूँगा। तो इसको मैं बना लिया हूँ और इसी की वजह से थक गया हूँ, पूरे धूप में इसको बना रहे थे। तो मेरे को भी लगता है कि बुखार आएगा बट नहीं आएगा, थोड़ी थोड़ी आँखें दर्द कर रही हैं। तो जा रहा हूँ मैं दादाजी को दवा दूंगा और उसके बाद अपनी स्टार्ट कर दूंगा एडिटिंग बिकॉज मेरे को रात के 11 बज रहा है, 11-12 बज जा रहा है। तो सब स्टार्ट करता हूँ और 10:30 बजे तक सब खत्म कर देता हूँ और उसके बाद से पहले डिनर कर लूँगा और फिर देखते हैं। गाइस तो फाइनली अभी मैं जा रहा हूँ डिनर करने, रोटी सब्जी और दूध, तो इसको खाते हैं। गाइस तो अभी डिनर कर लिया हूँ और जा रहा हूँ अभी एडिटिंग करने। गाइस तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होपफुली ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।